सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, सुबह के 6 बज गए हैं और अभी हम जाने वाले रनिंग करने, पास में एक स्टेडियम है तो वहाँ मिलते हैं। चलो सो गाइस, अभी जून स्टार्ट ही हुआ है और हमने ये डिसाइड किया है कि इस मंथ से हम ऑन एंड ऑफ डेली मॉर्निंग कोशिश किया करेंगे, जितना हो सकता है रनिंग करने जाया करें। अराउंड 8 to 10,000 स्टेप्स कवर करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो हमने कार्डियो वगैरह बंद रखा हुआ था, तो ताकि हमारा वो एक्सरसाइज स्टार्ट ना आए, तो अपना कार्डियो वैस्कुलर एक्टिविटी थोड़ी हाई करने वाले हैं। गाइस, हमने रनिंग कर लिया और अभी हम थोड़ा सामान लेने जा रहे हैं और ये हमारी इंक्लाइंड वॉक हो रही है यहाँ पे। अर्चित यहाँ पे ब्रेक, सो गाइस यहाँ पे अर्चित ब्रेकफास्ट ले रहा है, एडले फॉर द ब्रेकफास्ट। सो गाइस, तो आज बनाने वाले पालक पनीर, ये पानी बॉइल हो गया है, इसमें मैं पालक डालूंगा फ्रेश और आ जाएगा, मैं ज़्यादा पालक नहीं डाल रहा, थोड़ा तो आ जाएगा ना डालने के बाद। इसको पनीर निकालते हैं, ये पनीर छोटे छोटे पीसेस में काट लिए, इधर तड़का लग रहा है और ये बॉयल कर ली पालक को। सो गाइस, आप भी पालक पनीर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज स्पिनिच के 100 ग्राम्स में सिर्फ और सिर्फ 20 या फिर 25 कैलोरीज होती हैं, जो कि बहुत ही लो कैलोरीज हैं। और चाहे आपका वैसे कोई भी कुछ भी हो, लो वेट लॉस हो या फिर वेट गेन हो, ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है अगर आप चाहते हो इसको इंक्लूड करना अपनी डाइट में। सो गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, इसमें विटामिन ए जो हमारी आइज के लिए, विटामिन के जो हमारी बोन्स के लिए, और इतने सारी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं इसमें, जो कि आपके डेली इम्यून सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, और वैसे आप इसको डाइट में जरूर इंक्लूड करें। उसमें बहुत ज़्यादा जिंक और मैग्नीशियम भी होता है। जिंक और मैग्नीशियम क्या होता है, वो हमारी स्लीप क्वालिटी को बेटर करता है और स्ट्रेस को भी है ना कंट्रोल करता है, हमारा स्ट्रेस भी कम करता है, जिससे हमारी स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाती है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसमें हम अपना पनीर भी ऐड कर देंगे, जिससे हमारा जो प्रोटीन मैक्रोज होगा वो भी हिट हो जाएगा अच्छे से, तो ये अच्छा मील बन जाता है, आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। सो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड इसको और साथ में ये पालक है, इसको दोनों को साथ में मिक्स कर देंगे, हाफ ही डाल देंगे।
प्यूरी तैयार हो रही है। और प्यूरी हो गई है तैयार, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और इसमें मैं थोड़े मसाले डाल दूंगा, ऐसे अपने मनपसंद के मसाले डाल दो और मैं सारे को जो बेसिक बेसिक से डालते हैं डाल दो एक बार। तो गाइस अब इसमें जाएगी प्यूरी। कैमरा बचाते हुए, कैमरा और गंदी चीख मारते हुए जुमला गया ना पता चलेगा। सो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा सा ढक्कन रख के इसको थोड़ी देर कुक करेंगे और फिर पनीर डाल देंगे और फिर एंड में थोड़ा दूध डाल देंगे। अब इसको आपको डायरेक्टली सर्विंग प्लेट में मिलते हैं। बाय। सो गाइस पालक पनीर हो गया तैयार और अभी हम डालेंगे इसको भर भर के, भर भर के पनीर, भर भर के पालक। बस तो गाइस हमने रोटी बासन वाली थी और ये बहुत ही घर जैसी होती हैं बट बहुत बड़ी होती हैं। तो गाइज ये है हमारा मील नंबर टू और हम खाएंगे। तो गाइज यूजली यहाँ पे टेम्परेचर ठंडे रहता है बट तीन चार दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हमारे पास एक टेबल फैन ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं भी मंगवा लेता हूँ। तो मुझे भी ऑर्डर वाले का फ़ोन आया और मैं भी अपना ऑर्डर ले आता हूँ। चैन के नहीं सोएंगे। वर्कआउट हो गया हमारा कंप्लीट और हम वर्कआउट रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये हमारा पोस्ट वर्कआउट मील, इसमें 3 होल्स और 3 बाइट्स हैं और नेक्स्ट व्लॉग में ट्राई करेंगे कि और आपको वर्कआउट्स लगे हैं होम वर्कआउट्स, ताकि आप अगर घर पे कर रहे हो तो आप जान सको कि कैसे करना है। और सो गाइस एंड में हम उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं जो इस टाइम में भी अपना वर्कआउट्स मिस नहीं कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। आप ऐसे ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और ऐसे ही वर्कआउट्स करते रहें। सो गाइस ऐसा ही अपना और अपनी डाइट का ख्याल रखते रहें, और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे ईजी चीज़ है आप अपना स्टेप्स वगैरह दिन के वो बढ़ा सकते हो, जिससे आपकी एक्टिविटी लेवल हाई रहेगा पूरे दिन में। और अपने पोर्शंस जो है अपने खाने में थोड़े कंट्रोल रखो, जिससे आपकी कैलोरीज कम हो जाएंगी और आप अच्छे से फैट लॉस वगैरह कर सकते हो। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और अगर आपको ब्लॉग हमारा अच्छा लगा तो इसको जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको कोई भी क्यूरी हो तो हमको इंस्टाग्राम पे DM कर देना। सो बाय।